हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मूसा शिदार लोगों के पेपर शुरू हुए हैं और मुझे हैं यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ। तो मेरी अब छुट्टियों में यही आधे छुट्टियाँ तो ऐसे गुजर जानी, यही ड्यूटी लगी हुई है कि इनको ना के कैंपस में छोड़ना, इनके पेपर वगैरह का सारा आना जाना सारा मेरे जिम्मे ही है। तो वही अभी इन्हें छोड़ने आए हूँ और साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा, तो मैंने कहा आज का जो व्लॉग है ना वो अपने कॉलेज में स्टार्ट करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अभी मैं कॉलेज आया हूँ अपने, ठीक है। ये क्रिकेट ग्राउंड था हमारा, साथ मेरे मूसा शहजाद है। आज कौन सा पेपर है? आज मैथ, मैथमेटिक्स। आता है? हाँ आता, मुझे तो तुझे आता है। बाकी यार ये क्रिकेट ग्राउंड है हमारा सारा, ठीक है। बाकी आगे भी जाते हैं, अभी इनका तकरीबन घंटा पड़ा हुआ। मैंने कहा यार ज़रा जल्दी जाते हैं, आपको सारा कॉलेज अपना विजिट करवाता हूँ। तो ओके 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 ओके, तो अभी आगे चलते हैं तो आपको मैं सारा कॉलेज दिखाता हूँ। चलो आओ आगे चलें। आज ये सारा हमारा आगे कॉलेज दिखाता हूँ ना सारा। ये सारा हमारा प्ले ग्राउंड था, क्रिकेट यहाँ पर हम खेलते थे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे ग्राउंड में हम खेलते थे, जब हमारी ब्रेक होती थी ना वहाँ पे हम लोग खेलते थे। यहाँ पे जो मतलब जूनियर्स होते थे वो उन्होंने यहाँ पे पिच लगा लेनी, कहीं कोई पिच लगा लेते, लेकिन वो मेन जो पिच है ना ये हमारी होती थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ कभी हम खेलते थे हार्ड बॉल, कभी दूसरी टेप बॉल। बाकी अभी आगे भी ग्राउंड्स हैं, कुछ हॉल्स हैं, वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। उधर फुटबॉल ग्राउंड है और इधर भी फुटबॉल ग्राउंड है और आगे सारा मैं आपको दिखाता हूँ। और यार ये मैं जहाँ पे आया हूँ ना, ये है जी फुटबॉल ग्राउंड हमारा। यहाँ पे भी हम अक्सर खेल लेते थे क्रिकेट वगैरह ना यहाँ पे, लेकिन ये है फुटबॉल ग्राउंड ही। कुछ पूछा मैंने कुछ, पहले ही फुटबॉल ग्राउंड होता था लेकिन फिर बाद में इधर क्रिकेट स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी ये क्लासेस हैं, अंदर से तो अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी अंदर जाने नहीं देंगे, क्लासेस सारी बंद है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्रिकेट वहाँ खेलते थे, लेकिन यहाँ पे भी जब वहाँ पे जगह फुल हो जाए तो फिर हम इस जगह पे आ जाते थे क्रिकेट खेलने। बाकी वो हजवेरी हॉल है, नहीं इसके पास जो बना हुआ है उसके साथ हॉस्टल है ना। नहीं नहीं, ये जो उसके पास खेल का जो बना उसको क्या कहते हैं, ये बॉक्सिंग रिंग है, ये देख इसके बारे में सारा लिखा है। अच्छा ये लिखा हुआ है, देख ये बॉक्सिंग रिंग था, अब तो खराब हुआ हुआ है 2016। और ये हजवेरी हॉल है जहाँ तेरा पेपर होता है, यहीं पे होता है ना वो, खुला हुआ है। खुला हुआ, आज अंदर चलते हैं। सारी इंडोर गेम्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स होगी, फंक्शन वगैरह भी यहीं पे होते हैं और पेपर वगैरह भी यहाँ पे होते हैं सारे। ये सारा अंदर से आपको मैं हॉल दिखाता हूँ। बाकी ये रिंग है और वो सामने हॉस्टल है और ये सामने मूसा है। ये है जी सारा हॉल, यहाँ पे सारी इंडोर गेम्स होती हैं। अभी तो यहाँ पेपर हो रहे हैं ना, यहाँ सारे फंक्शन वगैरह इंडोर गेम्स वगैरह होती हैं, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, सारी इंडोर गेम्स होती हैं यहाँ पर। अभी तो वो सारे बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। बाकी सारा हॉल है हमारा। और भाई ये जो है ना सामने ग्राउंड, ये वाला ये था हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड, जो कि मेरी फेवरेट गेम है। क्रिकेट और वॉलीबॉल मेरी फेवरेट गेम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ठीक है। और ये हॉस्टल है, ठीक है। सामने ये वॉलीबॉल का ग्राउंड और ये सामने है जी मस्जिद, ये मस्जिद है। ये वैसे सिटिंग एरिया बैठने को आया है ना, सिटिंग एरिया। बाकी यार वॉलीबॉल मेरी फेवरेट गेम है, क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट वही गेम है। बहुत खेली हमने, बहुत। जब हमारी क्लासेस मुकम्मल हो जाती थी, एक क्लास के बाद एक घंटे का गैप होता था, तो फिर हम वही वॉलीबॉल ही खेलते थे ज़्यादातर। बाकी सामने मस्जिद है, मस्जिद भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ यार, कितने बजे पेपर भी, कितना टाइम पड़ा अभी? तो घंटा डेढ़ पड़ा, घंटा डेढ़ पड़ा, डेढ़ घंटा पड़ा मूसा का भी, अभी घंटा पड़ा। तो बस ठीक है ना, इतने तक सारा दिखा देते हैं फिर जाते हैं। सारी मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो मस्जिद की उस साइड पे जो है ना कैंटीन है, वो मैं इस साइड से जाता हूँ, इस साइड से पीछे से घूम के जाता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। अब जो मैं आपको कैंटीन एरिया दिखाता हूँ, ठीक है, कैंटीन वाला एरिया दिखाते हैं, वो साइड पे है और सामने टीचर वगैरह भी बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं कैंटीन दिखाते हैं, उसका को भी छोड़ने जाना है, इसका कहीं और बना हुआ है और शदाद का यहाँ पे है। कुछ पूछा मैंने कुछ, तो इसका काफ़ी दूर है, तो वहाँ पहले इसे छोड़ देंगे, फिर वापसी पर जो शदाद को लेने आना ना, तब मैं आपको बाकी दिखा दूँगा सुकून से। तो अभी मैं आपको कैंटीन दिखा देता हूँ। और यार ये है जी सारा कैंटीन का एरिया, ठीक है। वो सामने कैंटीन है, अभी रोज़े हैं इसलिए बंद हैं। ये फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गुलाब के फूल, और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। वो कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं मेरी तरफ ही देख रहे हैं। और क्या आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह यार, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर तरफ।
यार ये प्रिंसिपल ऑफिस है ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ये इधर यहाँ मेरी क्लासेस होती थी ठीक है, अभी ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि पहले क्लासेस हो रही हैं, रुक जाते ही आ रहे हैं ठीक है। तो सारा यहाँ पे होती थी क्लासेस से ऊपर सारी, फिर देखिए कितनी खूबसूरत जगह लड़की भाई। ठीक है शदाद तू जा फिर, हैं ओके अल्लाह हाफिज़। कितने बजे पेपर ख़त्म होना तेरा? 3:30 पे। साढ़े बहुत कह रहे 4 बजे। चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा, चल निकाल भाई। चल अभी जो हम मूसा को छोड़ते हैं ठीक है, उसके बाद मैं घर जाऊँगा सुकून करूँगा, फिर शाम को इनको ले लेंगे वापस। 3 hours later. तो भाई अभी जो है मूसा को लेने आया हूँ, उस वक्त मैं घर चला गया था ठीक है, मूसा को छोड़ के जाके मैं 2-3 घंटे सोया हूँ, सुकून किया, बहुत थक गया था, रोज़ा लग रहा था, तो मूसा को मैंने छोड़ दिया था, मैं उसे लेने आया हूँ। आ गया मूसा भाई। हाँ कैसा हो गया भाई? फिलहाल इधर हो गया, इधर हो गया खड़ा। हाँ कैसा हो? अच्छा हो। बाकी यार अब शदाद को लेते हैं फिर घर चलते हैं, मैं शदाद को लेता हूँ, उससे पूछते हैं उसका कैसा पेपर हुआ है, फिर वहाँ जा कर मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। मैं शदाद को लेने आया हूँ ठीक है, अभी बाकी लड़के आ गए हैं काफ़ी, मूसा देखने गया शदाद को, ये सारे लड़के आ गए हैं, शायद वो ना अभी पेपर कर रहा है, वो भी पेपर कर रहा आता तो पूछते हैं उससे कैसा उसका पेपर हुआ है। आ ही गया बल्कि ये आ रहा हीरो। हाँ शदाद कैसा हुआ पेपर? पेपर बड़ा अच्छा हुआ। ईजी था? हाँ नहीं ईजी तो नहीं था, चलो अच्छा हो गया। इसका भी अच्छा हुआ हमेशा की तरह, कह तो रहा अब बाद में पता चलेगा, सही बता ना सही हुआ कि नहीं। हाँ चल किताब किधर? अब किधर रख दिया? उधर ही पड़ी है। चल आ रहा हूँ। तो यहाँ ये किताब रखता है, इसके काम चेक करो, ये मेरी पर्सनल जगह है। बाकी यार अब मैं घर जा रहा हूँ ठीक है, यहाँ मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपके ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।